हेलो दोस्तों, मैं बीएल शर्मा और दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए एक और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर एक लग्जरी प्रॉपर्टी लेके। दोस्तों प्रॉपर्टी ऐसी है कि देखते ही पसंद आने वाली, वीडियो पूरा देखिए। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी साइज और इसकी प्राइस सभी डिटेल वीडियो के अंदर ही मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मैं ज़्यादातर वीडियो कालवाड़ रोड की बनाता हूँ, उसके बाद में सिरसी रोड, उसके बाद में गांधी पथ वेस्ट, फिर अजमेर रोड और फिर मानसरोवर। तो इन सभी लोकेशन में आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हम जयपुर की बहुत ही प्राइम लोकेशन सिरसी रोड पर है। यहाँ की आप लोगों की बहुत सारी डिमांड होती है कि भाई कोई अफोर्डेबल प्राइस का एक लग्जरी विला दिखाएं जो मेन रोड के पास में हो, जहाँ पे सभी सुविधाएं आपको मिल जाए। तो आज ऐसी ही लोकेशन होने वाली है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों वो सिरसी रोड पर, सिरसी जो मोड़ आता है वहाँ पर है। दिल्ली बाईपास जो है 200 फिट बाईपास, वहाँ से यहाँ तक की दूरी अराउंड 3.5 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की दूरी 12-13 किलोमीटर के आसपास की है। मेन जो सिरसी रोड है वहाँ से इस विला तक की जो दूरी है वो सिर्फ 200 मीटर की है। तो आप समझ जाइए कि क्या लोकेशन होने वाली है। नियर बाई बहुत ही अच्छी बसावट आपको मिलती है, साथ में स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट सभी आपको नियर बाई मिल जाते हैं, और बाकी की जो और फैसिलिटीज़ है वो भी आपको नियर बाई मिल जाती है। JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी हम आपको विजिट करवाने वाले हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी है, 90% तक लोन मिल सकता है, बाकी का आपकी ये प्रोफाइल पे भी डिपेंड होता है। और आज हम आपको इस वीडियो के अंदर 3 बेडरूम का फुल डुप्लेक्स JDA अप्रूव्ड इंडिविजुअल हाउस दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का विला हम देख लेते हैं। दोस्तों ये सामने देखिए, यहाँ पे 2 विला अवेलेबल है, रेडी टू शिफ्ट और रेडी फॉर सेल। दोनों ही सेम साइज में बने हुए हैं, सेम डिजाइन में बने हुए हैं और सेम प्राइस में है। इनके सामने 30 फुट रोड है और जो सराउंडिंग एरिया है वो भी देख लीजिए। नॉर्थ फेसिंग ये हाउस है और आसपास का जो एरिया है, जो ज़्यादातर जहाँ पे फैमिली रह रही है वो भी आप देखिए। और दोस्तों दोनों में सेपरेट पट्टा है, तो आप SBI से भी लोन ले सकते हैं। आज हम आपको वीडियो में दिखाने वाले ये वाला। सबसे पहले इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो देख लीजिए। बात करते हैं डायमेंशन की, तो 15 फिट का फ्रंट मिलता है और 60 फीट की डेप्थ मिलती है। 15x60 है, 100 वर्ग गज में बना हुआ है। यहाँ पे ये जो कार रैंप बना के दिया जा रहा है ये देखिए। एंट्री पे आपको आयरन के डबल डोर मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी में तैयार किए गए हैं ये देखिए। और ये पिलर पे दोनों तरफ आपको लाइट मिल रही है। और ये एक अच्छे स्पेस का पोर्च एरिया है, जहाँ पर आपकी एक 4 व्हीलर इजीली पार्क हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे वाटर टैंक का प्रोविज़न है। इस तरफ भी साइड में आप देखते हैं तो ये एक अच्छा स्पेस है, जहाँ पे आप अपने लिए सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और ये ऊपर की जो डिज़ाइन है वो देखिए। एंट्री से पहले आप देखिए यहाँ पे बड़ी विंडो है और ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइन, और ये डोर है। 2 स्टेप के बाद में अपनी इस विला के अंदर एंट्री होती है।
और ये जो एंट्री गेट है वो देख लीजिए, वुडन में हैवी डोर बनाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है। और ये स्पेसियस हॉल जो आपको 14x16 की साइज में मिल रहा है, ये देखिए। और इसके अंदर आपको बहुत ही सुंदर सीलिंग की डिज़ाइन भी मिल रही है। ये साइड वॉल आप देखते हैं तो यहाँ पे वुडन का काम करके दिया जा रहा है, और जो वॉलपेपर है वो भी कुछ यूनिक ही डिज़ाइन के हैं, ये देखिए। यहाँ से स्पेस देखते हैं आप हॉल का, तो देखिए कितना अच्छा स्पेस है। स्टेयर्स यहाँ पे अंदर से दी गई है, और स्टेयर्स के नीचे ये वुडन का वर्क आपको मिल रहा है, ये बड़ा LED पैनल ये देख सकते हैं। और इस तरफ आप चलते हैं तो यहाँ पे वॉश बेसिन बना के दिया गया है, स्टोरेज भी इसके अंदर है, ये देखिए। और इस तरफ स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है उसको यूज लिया गया है डोर के साथ, यहाँ पे डोर है। और दोस्तों जैसे आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड में 6x12 की स्पेशियस मॉड्यूलर किचन दी गई है, यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। अपर और लोअर दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटी दी गई है, और ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है दोस्तों, अच्छा काम किया गया है। फ्रंट साइड में विंडो मिल रही है, और ये देखिए स्पेस। अब बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको इस विला का फर्स्ट नंबर का बेडरूम। बट उससे पहले हॉल में अटैच में यहाँ पे वॉशरूम भी है, और इसके अंदर स्पेस देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है, ये देखिए। और ये है पहले नंबर का बेडरूम जो आपको 14x12 की साइज में मिल रहा है, अच्छा स्पेस है। और ये देखिए साइड वॉल, इस पर वॉलपेपर मिल रहे हैं, और ये वुडन का वर्क। यहाँ पे आप अपना बेड लगाने वाले हैं तो जिसकी वजह से जो ये डिजाइन है बेड के बेड साइड में आ जाएगी, और जो बेडरूम का जो व्यू है और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये इसकी सीलिंग की डिजाइन है। एसी का पॉइंट आपको सभी रूम में मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे वुडन में आपको फुल लेंथ में वार्डरोब दी गई है, बेड साइड में डोर और बड़ी विंडो है, और ये बैकयार्ड का जो एरिया है वो है, ये देखिए। चलिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके, और वहाँ पे जो पोर्शन बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आपको एक अच्छे स्पेस का हॉल मिल जाता है 14x16 की साइज में, ये देखिए। और ये स्टेयर्स, यहाँ से जो अपन नीचे देखते हैं वो लुक और वो व्यू, और ये ऊपर का व्यू। इस हॉल के अंदर आपको बहुत ही सुंदर सीलिंग की डिजाइन भी मिल रही है, LED लाइट, फैन, सब कुछ आपको पहले से मिल रहा है। और इस साइड वॉल पे वॉलपेपर दिए गए हैं, ये देखिए, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर यूज लिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और स्पेस देख लीजिए, ये इसका हॉल है। अब आपको इस विला के दूसरे बेडरूम में लेके चलते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट साइड में मिलता है, ये देखिए। साइज की हम बात करते हैं तो ये आपको 14x12 में मिल रहा है, अच्छा स्पेस है। 2x2 की इसके अंदर फ्लोरिंग की टाइल दी गई है, और ये इसकी सीलिंग की डिजाइन, बहुत ही सुंदर है ये भी। और एसी का पॉइंट सभी रूम में आपको मिल जाता है। ये साइड वॉल पे वॉलपेपर दिए गए हैं, ये देखिए। फ्रंट साइड में आप देखिए बड़ी विंडो और डोर दोनों आपको मिल रहे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे वार्डरोब का ऑप्शन है, ये देखिए, ये वार्डरोब है। और रूम में अटैच में वॉशरूम भी है, ये देखिए। ये इसका स्पेस भी देखिए,
ऊपर तक आपको टाइल मिल रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इधर चलते हैं तो ये है इस विला की बालकोनी, ये देखिए ये इसका स्पेस और ये साइड का व्यू और ये फ्रंट से व्यू और ये ऊपर की जो डिजाइन है वो, और ये बड़ी विंडो है। तो इससे क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर आपको बेडरूम में मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, तीसरे नंबर का बेडरूम दिखाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे बेड साइड में मिलता है। बट इससे पहले यहाँ पे देखिए ये छोटा सा स्टोरेज बना के दिया गया है यहाँ पे भी। और ये है थर्ड नंबर का बेडरूम, स्पेस बहुत अच्छा है दोस्तों सभी रूम में, ये देख लीजिए आप। और सेम टाइल्स यूज ली गई है पूरे इंडिविजुअल हाउस में 2x2 की। और ये साइड वॉल पे वॉलपेपर, ये इसकी सीलिंग की डिजाइन। और इसमें आपको अटैच में वॉशरूम भी मिल रहा है, स्पेस भी अच्छा है, ये देखिए विंडो भी आपको इधर मिलती है। अगर इस बेडरूम की साइज की हम बात करते हैं तो 14x12 की साइज में आपको ये मिलता है। और यहाँ पे वुडन में फुल लेंथ में वार्डरोब है, बैक साइड में बड़ी विंडो और डोर है, और ये बैकयार्ड का एरिया। दोस्तों छत पे लेके चलता हूँ और वहां से आसपास का जो बसआउट का जो एरिया है वो दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको इस विला की रेट बताना चाहता हूँ, वो है 58 लाख रुपए की, डिमांडेबल प्राइस, नेगोशिएबल है, आप आए विजिट करें। दोस्तों मैं छत पे आ गया हूँ और ये फ्रंट का व्यू है और आप देख लीजिए कि कितनी बसआउट यहाँ पे है। और ज़्यादातर फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ये देखिए ये साइड का व्यू है। और वो जो बड़ी बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं वो रॉयल ग्रीन की बिल्डिंग्स है, तो लोकेशन आप समझ रहे होंगे। और ये पीछे का एरिया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये विला जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप इस विला की विजिट करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।